हेलो पीपल, वर्क विल वर्क चैनल पर आपका स्वागत है। और इस चैनल के मेन इनिशिएटिव हैं लर्निंग प्लस रिकलेक्शन। बेसिकली जो भी हम पढ़ते हैं उसको किस तरीके से रिकलेक्ट किया जाए, दैट इज़ द एम ऑफ माय चैनल। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, सो दैट यू नेवर मिस अनदर अपडेट। सो स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक पे मैंने अलग से कोर्स या फिर कह लीजिए लेक्चर इसलिए बनाया है क्योंकि ये जो टॉपिक है अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका नाम है फंडामेंटल राइट, एंड पार्ट थ्री में फंडामेंटल राइट्स आते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं ये। और फंडामेंटल राइट जो है यूपीएससी, जब हम सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ तक पॉलिटी की बात है। सो लेट अस स्टार्ट। हम आज पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। सो सबसे पहले तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, चीज़ों को हम डीप में पढ़ने लगते हैं बिना ये जाने कि उनका ओवरऑल जो ओवरव्यू है वो क्या है। सो गाइस, आई वुड से कि पहले आप ओवरऑल सारी कंसेप्ट को देख लीजिए कि इसमें स्टार्टिंग से एंड तक क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, कितने इसके पार्ट्स हैं, और उसके बाद आप मैग्नीफाई करिए थ्रू योर टॉपिक्स एंड उसको फिर डीपली आप पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले आपको फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो आपको वो पता होना चाहिए कि वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किस पार्ट में फंडामेंटल राइट्स आ रहे हैं और फिर उसमें कितने राइट्स हैं, कहाँ से कहाँ तक फंडामेंटल राइट्स वाले आर्टिकल हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी दूसरे लोगों से ज़्यादा होगी। सो गाइज, लेट अस स्टार्ट। तो फंडामेंटल राइट्स पार्ट थ्री में आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 फंडामेंटल राइट्स को डेडिकेट किए गए हैं, और आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी के अंडर आ रहा है, और फिर उसके बाद आर्टिकल 19 टू 22 फ्रीडम के ऊपर आ रहा है, राइट टू फ्रीडम। उसके बाद आर्टिकल 23 to 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 25 to 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसके बाद 29 से 31 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, उसके बाद फिर 32 से 35 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। लास्ट में ये कहा गया है कि पार्ट थ्री, पार्ट फोर और पार्ट 4A, ये तीनों चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन की पार्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और इनको कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो ये सारा हो गया हमारा ओवरव्यू, ओवरव्यू की चैप्टर कैसे होने वाला है, ओवरऑल फंडामेंटल जो राइट्स हैं उसका क्या कंसेप्ट है, और स्टार्टिंग से एंड तक क्या उसमें ओवरऑल होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो हम देखने वाले हैं कि इन फंडामेंटल राइट्स की ये जो सीक्वेंस है इसे अब याद कैसे रखा जाए। तो उसके लिए मैंने ये कोड बनाया है, इसका नाम है, इसको आप याद कर लीजिए, EFEFER। तो ये काफ़ी सिंपल है, इसमें आई डोंट थिंक इसको याद करने में कोई दिक्कत होने वाली है। बेसिकली ये हमने इनिशियल्स उठा रखे हैं जितने भी राइट्स हम डिस्कस करते हैं फंडामेंटल राइट्स में उनके। तो गाइज, इसमें बेसिकली जो ई है वो सबसे पहले तो इक्वालिटी के लिए है, उसके बाद है फ्रीडम, उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसके बाद है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ओके, उसके बाद है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, फिर उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ वाला राइट। तो इसको एक बार फिर से हम देख लेते हैं। अब आपने ये कोड देख लिया है, उसके बाद आप इसको देखने की कोशिश करिए, इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सो ये सारी चीज़ें हमने देखनी थी, और ये ओवरऑल हम सीक्वेंस इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये कोड आप याद रखिएगा। और तो लेट अस स्टार्ट फंडामेंटल राइट। तो बेसिकली पार्ट थ्री ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट जो हैं इंक्लूड किए गए थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि इनको कंसिडर किया गया था कि ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल चीज़ें हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। हर एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी
उसमें आत्मविश्वास और डिग्निटी वाली जो फीलिंग है वो लाने के लिए फंडामेंटल राइट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए ह्यूमन डिग्निटी मतलब एक इंसानियत के नाते जितना हमें मिलना चाहिए वो सारी चीज़ें सोशली प्रोवाइड हो जाएं हर एक व्यक्ति को, इसलिए फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने लाए थे। ये था हमारा फंडामेंटल राइट्स क्यों लाए गए थे उसका कारण। तो ये हो गया छोटा सा इंट्रो। इसके बाद हम देखते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर जो हमें दे रखी है गवर्नमेंट ने, आई एम सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पावर हमें दी है कि हर एक व्यक्ति जिसे ये लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वॉयलेट हो गए हैं, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस बात को एनफोर्स करा सकते हैं कि मुझे अपने मुझे जस्टिस चाहिए बिकॉज़ मेरे फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट हो गए हैं। दूसरी चीज़ों में अगर हम देखें तो अगर आपको कोई और दिक्कत आ रही है तो और आप कोर्ट जाना चाहते हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर धीरे धीरे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से जाना होता है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो उसमें आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। और बात एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और बहुत ही बेसिक चीज़ ये है कि हर एक व्यक्ति इरिस्पेक्टिव ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, हर एक व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। और कोई भी व्यक्ति ये सभी जो फैक्टर्स हैं कास्ट, सेक्स, रेस, रिलीजन, ये सारी चीज़ों से परे होकर मतलब इनसे बियॉन्ड फंडामेंटल राइट्स हैं। और जिसको भी ये लग रहा है कि उसके फंडामेंटल राइट्स वॉयलेटेड हैं वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा भी सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फंडामेंटल राइट्स में एक इम्पॉर्टेंट राइट जो हमें मिला हुआ है। उसके बाद आर्टिकल 12, तो आर्टिकल 12 एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें बेसिकली बताया जाता है कि जो द स्टेट है मतलब जो स्टेट है इस वर्ड की क्या डेफिनेशन है। और ये बोला गया है कि पार्ट 3 में मतलब इन दिस पार्ट अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, मतलब कुछ अगर कुछ अनयूजुअल नहीं है और यूजुअली जैसे केसेस होते हैं वैसे ही केसेस हैं, वैसे ही सिचुएशन है, तो स्टेट का बेसिक मीनिंग यही है कि एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट एंड जो भी लोकल अथॉरिटीज़ एंड अदर अथॉरिटीज़ दैट आर देयर विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ओके ये हो गया हमारा आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 में बेसिकली बात होती है स्टेट के डेफिनेशन की, क्योंकि बात ये है कि जो आगे के प्रोविजन हैं जितने भी आगे के राइट्स हैं उसमें बार बार ये वर्ड यूज़ होगा, और इसीलिए यहाँ पे उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि स्टेट से हमारा मतलब क्या है। ओके और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल 13 जो है उसमें ये बोला गया है, तो आर्टिकल 13 को अगर आपको एक वर्ड में याद रखना है तो उसका तरीका ये होगा कि आप इसे कहिए जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 13 पावर देता है जुडिशरी को कि आप जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं किसी भी लॉ का। तो बेसिकली अगर कोई लॉ इनकंसिस्टेंट है और इज इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, मतलब फंडामेंटल के साथ उसकी इनकंसिस्टेंसी हो रही है, मतलब फंडामेंटल राइट्स कुछ कह रहे हैं और वो जो लॉ है वो कुछ और कह रहा है, तो जो जुडिशरी है उसके पास ये राइट होता है कि वो उस लॉ को रिव्यू कर सकें। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो कि बताता है कि क्या क्या कंडीशन हैं। तो अब ये बात तो कह दी गई है कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस हैं, वो सारी हम देख लेते हैं। ऑल लॉज, तो ये जो लॉ है ये कौन से लॉज की बात हो रही है वो चीज़ इन तीन चार हम कंडीशंस देखेंगे देखेंगे उनमें वही डिस्कशन किया गया है कि कौन से लॉज को जुडिशरी रिव्यू कर सकती है। ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले जो भी लॉज होते थे उनको भी अगर वो इनकंसिस्टेंट हैं तो उनको उस एक्सटेंट तक इनकंसिस्टेंट बोल दिया जाएगा जहाँ तक उनमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब जितना जितना प्रोविज़न इनकंसिस्टेंट है उतना ही प्रोविज़न हटा दिया जाएगा। मान लीजिए किसी प्रोविज़न में 3 पॉइंट हैं, फर्स्ट पॉइंट ही इनकंसिस्टेंट है तो फर्स्ट पॉइंट को हटा दिया जाएगा, बाकी सारे पॉइंट्स को एज इट इज़ रखा जाएगा। ओके तो इस तरीके से इसका मतलब होता है और इस तरीके से इसे अप्लाई किया जाता है। और
नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द स्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे और एब्रिज द राइट. तो ये बोला गया है कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो फंडामेंटल राइट्स को किसी लोगों से ले सके, इंडिविजुअल से फंडामेंटल राइट ले सके. और अगर ऐसा हुआ है तो उस प्रोविजन को भी हटा दिया जाएगा, और जहाँ तक वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है. उसके बाद आर्टिकल 13 पढ़ रहे थे हम, उसका ये थर्ड पॉइंट है, थर्ड कंडीशन है. इसमें इन्होंने लॉ का मतलब बता रखा है कि इन दिस आर्टिकल अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्ड, मतलब अगर जो चीज़ें हैं वो सारी यूजुअल हैं और कोई कंटेक्स्ट मतलब कि सिचुएशंस को यू नो कुछ एक्सेप्शनल नहीं हो रहा है, रेगुलर बेसिस पे अगर हम बात करें तो लॉ का मतलब है ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, बायलॉ, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम और यूजेज हैविंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया द फोर्स ऑफ लॉ. तो ओके, तो ये सारी चीज़ें ऑर्डिनेंस हो गए, बायलॉ हो गए, रेगुलेशन, कस्टम, ये सारी चीज़ें जो हैं ये लॉ के अंदर आ जाएंगी. दूसरी वर्ड एक यूज़ हो रहा है यहाँ पे, लॉ इनफोर्स. लॉ इनफोर्स एक्चुअली वो सारे लॉज हैं जो कि किसी लेजिस्लेचर में, लेजिस्लेचर ने या फिर लेजिस्लेचर जैसी किसी बॉडी ने बनाए थे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले. तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लॉ इनफोर्स और लॉ, इसका डिफरेंस. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. एंड और थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे रह गया है. तो गाइस थोड़ा सा और पॉइंट ये रह गया था, एंड नॉट प्रीवियसली रिपील्ड. तो मतलब ऐसे कोई लॉज जिनको पहले हटाया नहीं गया था वो इनकंसिस्टेंट ही थे, और मतलब वो इनकंसिस्टेंट हैं अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके हिसाब से, और उन्हें पहले नहीं हटाया गया था तो अब उन्हें हटा दिया जाएगा, और जितना भी उनका पार्ट इनकंसिस्टेंट है. ओके, और फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट ये कहा गया है, फोर्थ पॉइंट, कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट अंडर द आर्टिकल 368 आर्टिकल जो है उसके अंडर में जो अमेंडमेंट्स हो रही हैं उन अमेंडमेंट्स पर जो उन अमेंडमेंट्स पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता. तो बेसिकली यहाँ पे ये कहा गया है कि आर्टिकल 368 के अंडर अगर हमारी पार्लियामेंट अमेंडमेंट करेगी तो जुडिशियल रिव्यू मतलब आर्टिकल 13 उस पर अप्लाई नहीं किया जा सकता. लेकिन अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक बात है, क्योंकि इसका मतलब ये हो गया हमने जुडिशरी की पावर को लिमिट कर दिया है, और कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को हमने अनलिमिटेड सी पावर दे रखी है. लेकिन ऐसी बात नहीं है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर हैं और हमारी जुडिशरी काफ़ी बेहतरीन काम करते हैं, और उन्होंने एक प्रोविज़न बनाया जिसको हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर. तो उन्होंने बोला है कि आर्टिकल 368 के हिसाब से, जो कि पार्ट 20 में है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें कि दो बातें करी गई हैं, पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड, दूसरी बात है कि उसका प्रोसीजर. ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे कि आर्टिकल 368 में क्या है, तो बेसिकली दो ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो है आर्टिकल 368 में एक तो पावर ऑफ पार्लियामेंट, दूसरा है उसका अमेंडमेंट का प्रोसीजर. ओके, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसीजर. तो ये आप उसको सिंपली बोल सकते हैं दो टर्म्स में. उसके बाद लेकिन एक चीज़ कही गई है कि पार्लियामेंट हाउ एवर कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं ला सकती जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हर्ट हो जाए और वो इनकंसिस्टेंट हो जाए बेसिक स्ट्रक्चर के जो पार्ट्स हैं उसके हिसाब से. तो मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, इवन अगर वो आर्टिकल 368 के हिसाब से भी हो रहा है. तो फिर उसके बाद यही बात है कि एक तो हमारी पार्लियामेंट कर सकती है अमेंडमेंट्स, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को वो हर्ट नहीं कर सकती है. दूसरी बात ये कि आर्टिकल 368 में मेंशन किया गया है कि किस तरीके का प्रोसीजर अप्लाई होगा जब अमेंडमेंट्स किया जाएगा. तो उसमें तीन तरीके के प्रोसीजर हैं, सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट्स. तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 368. ओके, फिर उसके बाद इक्वलिटी बिफोर लॉ. ये बहुत ही छोटा सा आर्टिकल है दिखने में, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें हैं.
तो इक्वलिटी बिफोर लॉ का स्टेटमेंट आप अपने पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, और मैं भी एक बारी बोलती हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द स्टेट शेल नॉट डिनाइड टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो दो चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं कि ये दो चीज़ें हैं जो स्टेट हमसे छीन नहीं सकती। सबसे पहले इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के नज़रों में हर एक व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, लोअर कास्ट से हो, अपर कास्ट से हो, मेन हो, वुमेन हो, कोई भी हो, उसके साथ स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। ओके, एक तो पहली बात ये हो गई। उसके बाद दूसरी बात करी गई है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में बेसिकली ये होता है कि अगर कोई दो व्यक्ति हैं जिनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, एक व्यक्ति है बहुत ही प्रिविलेज्ड क्लास का, दूसरा व्यक्ति है बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड क्लास का, जिसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन ही हुआ है हिस्ट्री में भी और कुछ हद तक अभी भी, तो उनके साथ स्टेट सेम बिहेवियर अगर नहीं करेगी, डिफरेंट बिहेवियर करेगी, मतलब अलग लोगों के साथ अलग व्यवहार। ओके, मतलब अलग जो लोग हैं उनकी अलग नीड्स हैं, इसीलिए स्टेट को उनके साथ अलग अलग बिहेव करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम देखें हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी के अंडर में लोग रहते हैं, तो उन पॉवर्टी स्ट्रिकन जो पॉपुलेशन है उसको, जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए अगर हमारी गवर्नमेंट PDS, मतलब कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन कार्ड, ये सारी चीज़ें ला रही है, तो उसमें कोई ख़राबी नहीं है। तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि जो गरीबों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न ला कर सरकार जो है वो इक्वलिटी का जो ये बात है कि हम सब इक्वल हैं, इक्वल बिफोर द लॉ, उसको हर्ट कर रही है। क्योंकि जिनको वो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है उनके पास नहीं है वो सारी बेसिक चीज़ें। तो ये होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो रिच लोगों पर ज़्यादा टैक्स लगा कर वही पैसा उसके बाद स्कीम्स बनाकर, जैसे PDS हो गया, मनरेगा हो गया, पुअर पुअर सेक्शन ऑफ द कंट्री में पहुंचा सकती है, ये इक्वल प्रोटेक्शन कहलाता है। और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल हो सकते हैं, मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है, आप खुद भी एग्जांपल सोच सकते हो, बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं इसके, इवन रिजर्वेशन वाला पॉइंट इसका एक एग्जांपल हो सकता है। ओके, तो हमने देख लिया आर्टिकल 14। अब आर्टिकल 15 देख लेते हैं, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। इसको आप याद कर लीजिए, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, RRCSPB, RRCSPB, इस तरीके से इसे याद कर लीजिए, और दो तीन बार एक रिदम में आप इसे बोलिए, आपको याद हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा ये एम होता है कि जितने भी लेसन मैं बनाऊँ उनमें मैं हर एक बार आपको ये ज़रूर बताऊँ कि रिकलेक्शन कैसे किया जाए उन सारी चीज़ों का जो आपने पढ़ी हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि हम जो भी पढ़ें हमें याद रहे। दो तीन दिन याद रहे और चौथे पांचवें दिन हम उसे रिवाइज कर लेंगे, तो वो और ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। इस तरीके से हमें अपना लर्निंग प्रोसेस बना के रखना है, नहीं तो बहुत सारी वीडियोस होती हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, और हर एक जगह में आपको न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, मैगजीन मिल जाएगी, बुक्स मिल जाएंगी, आप कितना पढ़ोगे? आपको याद रखना जो है वही आपका एम है, वही सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है उस टाइम में, जबकि इन्फॉर्मेशन तो सबके पास है लेकिन याद रखना काफ़ी कठिन होता जा रहा है। ओके, तो लेट अस कम बैक टू अवर स्टडिंग। तो अभी पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 15 प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, ये तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ओके, और फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि नो सिटीजन शेल ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी। तो उन्होंने बोला कि जस्ट बिकॉज एक व्यक्ति लोअर कास्ट से है, या फिर वो विमेन है, वो फीमेल है, या फिर वो किसी ऐसे प्लेस ऑफ बर्थ उसका कुछ अलग है, या फिर कह लीजिए उसकी रेस अलग है या रिलीजन अलग है, इन सब कारणों से उस व्यक्ति पर किसी तरीके की डिसेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। डिसेबिलिटी मतलब कि वो कहीं आ जा नहीं सकता, उस पर रिस्ट्रिक्शन लग रही हैं, कंडीशन बताई जा रही हैं कि आप इतने टाइम से इतने टाइम पे निकलिए, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं
कुछ चीज़ें इनमें से होती हैं जो समाज में काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं, अभी तो नहीं लेकिन पिछले टाइम्स में और भी ज़्यादा ये सारी चीज़ें देखी जाती थी कि कुछ एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन सब बातों पर इस वाले आर्टिकल में काफ़ी अच्छा वो कर रखा है, उसको काउंटर कर रखा है और ये बोला है कि किसी व्यक्ति पे कोई लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। इसको आप सिंपली ये भी कह सकते हो कि अनटचेबिलिटी नाम की जो चीज़ है इसको अबॉलिश या बैन करने की बात यहाँ पे करी गई है, बहुत ही सॉफ्ट टर्म्स में लेकिन करी गई है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि आर्टिकल 15 में अगली बात क्या हो रही है। तो ये बात हो रही है कि उनको होटल्स में, पब्लिक स्पेसेस में जो भी लोग हैं, हर एक व्यक्ति को जाने की छूट होनी चाहिए और उनको इजाज़त होनी चाहिए। फिर उसके बाद यूज़ ऑफ वेल्स, बेदिंग हार्ट्स, टैंक, ये सारी चीज़ों में भी जो पब्लिक यूजेज की चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें भी उनको इजाज़त होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा आर्टिकल 15 और कुछ पॉइंट्स और हैं इसमें, लेकिन अब इसमें कुछ कंडीशन और बता रखी है। ओके, कंडीशन ये बताई गई है, नथिंग इन दिस आर्टिकल विल प्रिवेंट द स्टेट। इस आर्टिकल में, मतलब आर्टिकल 15 में, कुछ भी ऐसा नहीं है जो जो हमारी गवर्नमेंट को रोक सके विमेन, मतलब औरतों और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाने में। मतलब गवर्नमेंट चाहे तो स्पेशल प्रोविजन बना सकती है औरतों के लिए और बच्चों के लिए, उसका मतलब ये नहीं होगा कि उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बात करी गई है कि हर एक व्यक्ति को जाने की इजाज़त होनी चाहिए हर जगह। लेकिन अगर कोई स्पेशल प्रोविज़न किसी एक तबके के लिए बन रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ स्पेशल हो गया है, क्योंकि उन लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत है। ओके, तो इसको भी हम कह सकते हैं इक्वल प्रोटेक्शन फ्रॉम द लॉ, मतलब इनको लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है। और अलग अलग व्यक्तियों को हमें अलग कंडीशंस में देखने की ज़रूरत होती है। ओके, जो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट ट्रीट किया जाए, ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। तो इसमें फिर से क्या बात हो गई थी, कंसेप्ट इसका क्या था, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसको भी आप बार बार अपने दिमाग में रखिए, जो भी आपने पढ़ा है एक बार अच्छे से रिवाइज भी कर लेना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर दूसरी बात ये कही गई है, इस आर्टिकल में जो भी है वो स्टेट को प्रिवेंट नहीं करेगा फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन उन लोगों के लिए जो कि बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब कहलाते हैं। तो ये भी बात कर दी गई है। और आर्टिकल ये जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है, इसमें बेसिकली यही कहा गया है कि एक तो वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए हम स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं और उसके बाद एसटी और एससी के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकते हैं, और उसमें ये नहीं होगा कि इक्वालिटी की या फिर ऊपर जो भी बातें करी गई हैं आर्टिकल 15 में उसका उल्लंघन हो रहा हो, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हमने 15 आर्टिकल तक पढ़ लिया है। और आई होप आप लोगों के लिए मेरे ये जो लेसन हैं ये बेनिफिशियल हैं, किस तरीके के आपको मेरे कोर्सेज लग रहे हैं और मुझे कैसे कैसे टॉपिक्स पे कोर्सेज बनाने चाहिए ये आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। तो आज हमने क्या पढ़ा है, बेसिकली आज हमने पढ़ा आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 15 तक, मतलब अभी हम यहीं तक पहुँचे हैं, आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी तक, आर्टिकल 12 से 15। तो इतना हमने पढ़ लिया है, अगले लेसन में हम और आगे बढ़ेंगे और अगले जो आर्टिकल्स है वो सब पढ़ेंगे। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप ऑन लर्निंग,